जी। और उज़्मा का चैनल जो है वो उज़्मा विलेज व्लॉग, जो लिंक जो है ना उज़्मा का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या चल रहा है आपका? ठीक ठाक? और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं गूंद रही हूँ रात के टाइम आटा, और जो दिन में भिंडी बनाई थी वो बस दिन में हुई है, थोड़ी सी बची थी है। तो मैंने फिर उज़्मा से कहा कोई अब रात को जो दो अंडे मंगवा लेते हैं, अंडे प्याज बना लेते हैं, चले रात को तो कुछ ज़्यादा करें, सुबह की सुबह सोचेंगे जी। अब गूंद रही हैं आंटी आटा। आप क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। इस वक्त हम काट रहे हैं प्याज और अब हम बनाएंगे प्याज अंडा। रात का वक्त है ना, कुछ सालन रखा हुआ दोपहर का और कुछ अब बनाएंगे अंडा प्याज जी। प्याज और बहन भाई को दिखाएंगे। यहाँ पे आटा गूंद लिया, हाँ जी आटा भूनना था जल्दी से। मैंने कहा आप प्याज काटे और मैं उज़्मा किचन में ना अपना मेरी बात करें, आप ऐसा किया करें कोई चीज में उसमें प्याज काटे, क्योंकि दूसरी चीज होती है उसमें ना प्याज की स्मेल हो जाती है। अलग टोकरी में काट लीजिए, हाँ अलग अलग बनाई है मैंने प्याज के लिए ना। कट रहे हैं प्याज, हाँ जी प्याज हम काट रहे हैं, जल्दी से काट लें उज़्मा, गैस भी चला जाएगा लाइट भी चली जाएगी। मैं रोटी बना रही हूँ और आपकी मम्मी अंडे बनाने लगी है, अंडे प्याज जी। वाह जी वाह, घी क्या किया? पहले घी डाल दिया, घी डाला है, घी डाला, शाबाश। इसे पाइप बदल दिया, कोई बात लगा देते हैं पाइप। वाह जी वाह जी जी, आज तो फिर नरम नरम और गरम गरम रोटी बहुत मजेदार आपने खानी। नहीं नहीं आप नहीं कहेंगे तो हम नहीं खाएंगे, नहीं हम खिला देंगे, खरीदने का ज्यादा नहीं करेंगे। कितनी करोगे? ज्यादा करोगे? सही करेंगे, सही लेकिन कम करेंगे, इतनी नहीं। अच्छा, यानी प्रोग्राम फुल है मेरे साथ ज्यादा करने का। जी जी, क्योंकि गैस जाने वाला है ना और लाइट भी इस टाइम चली जाती है, और शुक्र है नहीं गई लाइट। नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट है अभी। फैसला ये टमाटर काटे जा चुके हैं, प्याज अभी फ्राई हो रहे हैं, देखिए आज की डेट में फ्राई हो जाए सही। उज़्मा कर रही है प्याज फ्राई और ये है हमारी मैडम जो कि इस वक्त इन अपना रोटियां बनाने वाली मशीन बनी हुई है इस वक्त, और बड़ी तेजी से क्योंकि लाइट जाने का और गैस जाने का खतरा है, और बड़ी तेजी और बड़ी स्पीड के साथ सासम सास हुई है जैसे 10 मील दौड़ कर आ रही हो, कि लग गया ऐसा ना चला जाए तो बस तक फिर उन्ना वही तंदूर से मंगवानी पड़ेगी। उज़्मा ने घी नहीं उतर रहे अंडा प्याज बनाने में, बहुत ज्यादती हो रही है अंडे के साथ, देखिए ये मैंने बड़ी बेदर्दी से जो है ना ये अंडा प्याज बन रही है, ये ना भाई करो अल्लाह करे आज बन जाए, ये ना मैं कुश्ती कर रही हूँ बन जाए सही है अंडा प्याज आज कर दो इसके भाई करो छोड़ दे ऐसे नहीं ऐसे सारे आज उज़्मा उज़्मा तुम बड़ी कब होगी? मैं कह रही हूँ अल्लाह करो भाई करो नाराज हो जाए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ तुम बड़ी कब होगी? मैं बड़ी अल्लाह करे नहीं मेरी बहन तू नहीं बड़ी हो सकती। तो जी ये खैर से आधे घंटे बाद हमारा अंडा प्याज हो गया है तैयार, हाँ अल्लाह की रहमत से देखो अब ये पकाया तो उज़्मा ने है और खाएगी भी उज़्मा ही, हाँ जी। नहीं मैं नहीं खा रहा, मैं भिंडी से ही रोटी खाऊंगा,
क्यों जी मैडम जी? क्यों आप नाराज हो गए? हाँ जी मैं नाराज हो गया। अंडे से नाराज हो गए? नहीं मैं उज़्मा से नाराज हो गया। अच्छा इसके आने पे नाराज हो गया? नहीं नहीं इसके अंडा बनाने पे नाराज हो गया। उज़्मा के अंडा बनाने पे नाराज हो गया। हाँ ये बात गर्मी बहुत ज्यादा आज बाकी पूरे पाकिस्तान में गर्मी का लेवल बहुत ज्यादा था। आज दर्जा रात काफी ज्यादा था। वाह जी वाह गर्मी और पसीना तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मुंह धोया जा रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा नहीं सर? आपको चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ेगा ना पता चले। सर मैं तो सारा दिन चूल्हे में से ही आया हूँ। चूल्हे से कम से एक तो नहीं था बाहर भी। आप एसी गाड़ी में गए थे? एसी गाड़ी में वापस आ गए? शहर में तो धूप थी ना। कह सकते हैं भिंडी अंडा प्याज और ये बैठा हुआ अहमद ये खड़ी है उज़्मा कैशार छाबियां लेकर आ रही है। प्लेट जल्दी से खाना खा लो लाइट चली जाएगी। सिद्धि कर रहे तरपाल की बहुत टेंशन बनी थी। आंधी तूफान आई है तरपाल नीचे हो गई थी तो धूप आती थी सारी कदम छत पे हैं। मेरे बहन भाई रात का मेरा जो व्लॉग है वो मुकम्मल नहीं हो सका था तो क्योंकि लाइट चली गई उस वजह से मैं कंप्लीट ना कर पाई। और अब सब बहन भाइयों से मैं इजाजत चाहूंगी तो फिर मुलाकात होगी अब सब बहन भाइयों से। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी सब बहन भाइयों से कि मुझे बहुत खुशी हो रही है जैसे मैंने टाइटल में नंबर दिया है मेरी सब बहन भाइयों के साथ बात हुई माशाल्लाह बहुत खुशी हुई सबसे बात करके। और जिनका मैं जिनकी कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाई अपने फैंस की तो मैं माजरा चाहती हूँ बल्कि मैंने कोशिश की है कि सबकी कॉल अटेंड कर सकूँ। और रात फिर मैं सो गई मुझे कोई पता नहीं। तो जितने भी हमें पाकिस्तान इंडिया दोनों ममालिक से जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं सबको मातो से अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उज़्मा का चैनल जो है वो उज़्मा विलेज व्लॉग जो उज़्मा ने बनाया था वो अधूरा रह गया था। इनका चैनल इन्होंने बीच में छोड़ा। वो क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि इन्हें चिन्होड़ जाना पड़ा अबू के पास और वो किसी मजबूरी के तहत गई थी और मैंने उनको घर से नहीं निकाला था। इसलिए मैं सब बहन भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके चैनल पर लाजमी जाए और इनका साथ दे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं अपने बच्चों का वो सहारा बन सके और अपने बच्चों का वो पेट पाल सके। तो वैसे रात खुदा में तो वैसे मजाक कर रहे थे हम सब मजाक कर रहे थे उज़्मा के खुदा जो उज़्मा कहने पर नाराज हो गए। नहीं नहीं उनके आने पर नाराज नहीं हुए तो वैसे ही मजाक कर रहे थे। तो अब मुझे दे इजाजत और लिंक जो है ना उज़्मा का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज काइंडली मैं आप फिर बार बार आप सबसे मिन्नत कर रही हूँ इल्तिजा कर रही हूँ कि उज़्मा का साथ दें ताकि उज़्मा भी अपने चैनल पे अपनी मेहनत करे और अपने बच्चों का पेट पाल सके इनशाला। जब अनकरीब जब पैसे होंगे तो मैंने दूसरा मोबाइल ले दूंगी। फिल वक्त तो मैं एक ही मोबाइल पे इनका चैनल मैंने बनाया हुआ है कि अपने बच्चों की जिंदगी ये कुछ बना सके अपने बच्चों को पढ़ा सके लिखा सके और उनका मुस्तकबिल बना सके मेन जो चीज है। तो क्यों से जावल क्या कहते हैं आप? मैं चाहता हूँ हमारे मोहल्ले में हमारे पास सहारा बन सके स्कूल तो आप जाते हैं? जाते हैं तो क्योंकि मजीद आगे पढ़ने के लिए बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसे की जरूरत होती है सब चीज की जरूरत होती है। तो इसलिए मैंने चैनल बना के दिया उज़्मा का कि उज़्मा अपने बच्चों का सहारा बन सके। तो बाकी यहाँ पे उज़्मा होती है किस चीज की कमी नहीं होती उसे फिर भी लेकिन वो फिर भी यही चाहती है कि मेरा चैनल बन जाए और मैं अपने बच्चों की जिंदगी आराम से गुजार सकूं। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाजत फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब मैं पाकिस्तान इंडिया दोनों ममालिक से देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह हाफिज।